देखो, हम बात करने में जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इसके बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं, तो कुछ एक मेथड पे मैं आपके साथ डिस्कशंस कर रहा हूँ, फिर अगले मेथड्स पे मैं अगली क्लास में डिस्कशंस करूँगा। तो सबसे पहला है मेरा मैकेनिज्म मेथड, तो हेडिंग डलेगा कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, कैलकुलेशंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। कैलकुलेशंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, सही है। तो हम बात करते हैं, बहुत सारे मेथड आ सकते हैं, मैं एक मेथड आपके साथ शेयर कर रहा हूं अभी, और वो है यूनिट मेथड। यूनिट से भी पता लगा सकते हैं। सबसे पहला आज यही हम करते हैं, यूनिट मेथड, यानी यूनिट मेथड कैसे वर्क करता है, लिखिए। इन दिस मेथड, वी कैन कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बाय यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं। आप जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट कि कोई भी रिएक्शन है और हम सिंपल सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ले लेते हैं, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में और आपको दिया जा रहा है आर इक्वल टू के की पावर ए की पावर एन, एन यहां पर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो कोई मुझे बताए के की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ के, इसकी यूनिट होती है मोल, हमेशा मोल पर लीटर पर सेकेंड, भले कोई भी ऑर्डर हो, फॉर एनी ऑर्डर। ए की कंसंट्रेशन, ए कंसंट्रेशन है जिसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, वहां है मोल पर लीटर, ये वहां जाएगा, वन माइनस एन हो जाएगा, वन माइनस एन और वन बाई सेकेंड। तो ये तो हमारे पास फंडा रहा, तो हम यूनिट ऑफ के से भी पता लगा सकते हैं और उल्टा भी लिख सकते हैं। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं यूनिट ऑफ के। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है, तो वन माइनस जीरो यानी यूनिट क्या रहेगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर को क्या बोलते हैं, कैपिटल है, मोलरिटी, मोलरिटी सेकेंड इनवर्स। आ रही है बात समझ में, अगर ये फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो वन माइनस वन हो गया फर्स्ट ऑर्डर जीरो, तो यूनिट क्या रह जाएगी, सिर्फ सेकेंड इनवर्स। और अगर ये सेकेंड है तो क्या हो जाएगा, मोल वन माइनस टू, माइनस वन तो लीटर पर मोल आएगा, लीटर पर मोल पर सेकेंड, या शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, एम इनवर्स एस इनवर्स, मोलरिटी इनवर्स, क्योंकि लीटर पर मोल को आप क्या लिखोगे, एम इनवर्स। और अगर ये थर्ड ऑर्डर है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल पावर टू, क्योंकि यहां पर आ जाएगा वन माइनस थ्री यानी माइनस टू, तो लीटर पर मोल आ जाएगा पर सेकेंड, या फिर एम माइनस टू एस माइनस वन। आ रही है बात समझ में, तो इससे किसी भी ऑर्डर के लिए निकाला जा सकता है, किसी भी रिएक्शन के लिए। तो चलिए इस पे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं अपन, लिख लिया आपने ये, तो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम यहां पर दे रहा हूं मैं आपको, जब तक आप उतारो। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस,
फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ द वैल्यू ऑफ के रेट कांस्टेंट है, कुछ भी दे दिया उसने, 2.3 × 10³-3 मोल पर लीटर -3/2 पर सेकंड, तब आपका आंसर क्या होगा सोचो आप। आपको सिंपल सा करना है, आपको क्या वैल्यू गिवन है, 1 - n की वैल्यू है, क्योंकि यहां पर मोल पर लीटर के ऊपर पावर क्या आती है 1 - n, और वो कितना दिया है -3/2, तो n की वैल्यू क्या होगी, ये उधर जाएगा वो इधर आएगा, तो 5/2 लॉक कर दें अपन। तो यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पर क्या है 2.5। तो बहुत इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लिख लें इनको। हमारा कैलकुलेशंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय कंसंट्रेशन मेथड, कैलकुलेशंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन मेथड। ये सबसे ज्यादा कारगर तरीका है और इसी को यूज कर रहे हैं हम। मान लीजिए कैसे कैसे चलते हैं, उसके लिए पहले एग्जांपल लेने चाहिए कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है A2 + B2 और ट्वाइस AB बना रहा है, ठीक है बनाने दो, बताओ इसमें रिएक्टेंट कौन है A2 और B2, प्रोडक्ट कौन है 2AB, ठीक है। आपको इनिशियल कंसंट्रेशन देखनी है, तो एक बार A2 की कंसंट्रेशन, एक बार B2 की कंसंट्रेशन और एक बार आपको रेट को ऑब्जर्व करना है। इनमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जो प्रैक्टिकल आपको कैलकुलेट करनी है, ये A2 B2 को आपके को आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा इनिशियली कंटेनर में, समझ में आ रही है। तो जब आप इनिशियली कंटेनर में रखेंगे तो शुरुआत में ऐसी कंसंट्रेशन रखो जो बहुत इजी हो, 1:1, ठीक है। कंसंट्रेशन किस में रखोगे आप, मोल पर लीटर। अगर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है तो रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पावर 1, वो तो हमेशा रहेगी। 1 - n किस में लगता है, रेट कांस्टेंट में पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये क्या है रेट की यूनिट। किस ऑर्डर के लिए, ये सभी के लिए यही रहती है, अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ाया अच्छे से। तो अब आप क्या करो, आपको किसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, मान लीजिए आपके लिए R = k A2 पावर n1 है और B2 पावर n2 है, आपको किसके ऑर्डर में निकालना है, मान लीजिए A के रेस्पेक्ट में निकालना है अभी, तो B को कांस्टेंट बनाओ और A को क्या कर दो डबल, तो B को कांस्टेंट बनाओ और A को क्या कर दो डबल। तो जब A को डबल करोगे, मान लीजिए यहां रेट आपके पास 2 × 10⁻³ है, या 1 ही मान लो, कैलकुलेशन इजी रहे, ये 2 × 10⁻³ हो गया, इसको डबल कर रहे हैं ये डबल हो रहा है, इसका मतलब ये इसके क्या है डायरेक्टली, जल्दी बोलो, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको अब इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो इसको कांस्टेंट बनाओ और इसको डबल कर दो, और ये 4 × 10⁻³ है, यानी ये इसके इसको डबल करने पर ये क्या हो रहा है 4 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब रेट इसके ऊपर डिपेंड तो कर रही है, लेकिन किस में कर रही है स्क्वायर में, 2 टाइम्स आपने करा तो 2 की पावर क्या लगाई जाएगी 4 आ जाए 2। तो ये हमारे पास मैथ से जो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आई, तो मैं आपको वापस तरीके से बता रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं। अगर आपको मैथ एकदम से नहीं समझ में आई है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोसेस से करें। मान लीजिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, तो R1 की वैल्यू कितनी होगी, के तो कांस्टेंट होता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है क्या, नहीं, तो आप क्या लिखेंगे 1 की पावर n1 और 1 की पावर n2, और ये वैल्यू आपको कितनी दी गई है 1 × 10⁻³। R2 यानी सेकेंड एक्सपेरिमेंट, के 2 की पावर n1 और 1 की पावर n2 = 2 × 10⁻³, ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, और R3 के
वन की पावर एन वन और टू की पावर एन टू, और ये वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻³। अब आपको क्या निकालना है, एन वन एंड एन टू। तो सबसे पहले फॉर एन वन आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए इन दोनों को, जिससे ये वाली टर्म पूरी कट जाए। तो क्या करोगे आप, इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन वन करो, तो ये पूरी चीज कट जाएगी। आपको क्या मिलेगा, टू की पावर एन वन अपॉन वन की पावर एन वन का कोई मतलब नहीं रहा। इज दैट क्लियर, टू डिवाइडेड बाय वन करा है तो ये तो कट ही गया आपके लिए, काट ही देता हूं आपके लिए, ये कट चुका है। तो टू की पावर एन वन अपॉन वन, और ये कितनी बार कटेगा आपके पास, टू टाइम्स। तो बताइए टू को क्या मैं टू की पावर वन लिख सकता हूं, हाँ। तो एन वन की वैल्यू क्या है, वन। कुछ कुछ समझ में आया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपको फोर एन टू कैलकुलेट करना है, तो कौन सी इक्वेशन डिवाइड करोगे, इक्वेशन थ्री डिवाइडेड बाय इक्वेशन वन। जब आप थ्री और वन को डिवाइड करोगे, देखिएगा ध्यान से, तो कौन सी चीज कटेगी, ये के भी कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो टू की नीचे थ्री डिवाइडेड बाय वन कर रहे हो आप, तो थ्री में क्या आ रहा है आपके पास, जल्दी से बताओ, टू की पावर एन टू बाय वन, क्योंकि ये वाली चीज बचेगी इन दोनों का कटने के बाद, सिर्फ ये बचेगा। वन की पावर एन टू क्या होता है, किसी की भी पावर, वन की कोई भी पावर हो वो वैल्यू क्या कहलाती है, वन। इज इक्वल टू क्या बचेगा, फोर, क्योंकि ये वैल्यू कट जाएगी। कटेगा या नहीं कटेगा, तो आप बताइए फोर को क्या लिख सकते हो आप, टू की पावर टू। तो एन टू की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, तो एन वन एन टू दोनों आ चुका है। तो रेट आपके पास आंसर क्या होगा, R इक्वल टू रेट एक्सप्रेशन जो पूछ रहा है, ए टू की पावर वन और बी टू की पावर क्या आएगा, टू। ये तो रहा आपका लेंथी मेथड, बोर्ड में आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा पूरा। यहां ऊपर सॉल्यूशन जब करेंगे तो आप लिखेंगे बाय एक्सपेरिमेंट डाटा, डाटा या एक्सपेरिमेंट डाटा, हमें वी गेट फॉलोइंग इक्वेशंस, एक दो तीन, और थोड़ा सा और डिक्टेट करेंगे, यानी पहले वाले डाटा से ये हुआ, सेकंड से ये हुआ, थर्ड से ये हुआ। कोई डाउट नहीं है, श्योर, लॉक कर दे, हाँ बोलो। ये तो देखिए कौन सी चीज, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये सब चीजें क्वेश्चन में गिवन है, यहां तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि अगर ये वन है, वन है तो ये इतना है, ये इतना है तो ये इतना है, ये इतना है तो इतना है, ये क्वेश्चन है। ये एक्सपेरिमेंट करा एग्जामिनर ने और हमें वो डाटा दे दिया, उसके आधार पे हमें ऑर्डर बताना है। समझ में आ गया, तो यहां तक तो हमारा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्पल। तो किस तरह से हम प्रोसेस करते हैं वो है। अगर हमसे कोई थ्योरी पूछे तो हम क्या करेंगे, थ्योरी क्या बनाएंगे, एक सेकंड रुको, हिंदी में सुन लो। इस तरह के हम एक्सपेरिमेंट मेथड से क्या करेंगे, हम शुरुआत में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सारे जितने भी है एक 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 लेंगे, उससे रेट निकाल लेंगे, फिर किसी एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन डबल करेंगे, उससे रेट चेंज होते हुए देखेंगे हम, पक्का। उससे बाकी के सब तो एक है तो कट जाएंगे सारे, उससे हमें इसके रेस्पेक्ट में पावर मिल जाएगी, फिर यही काम हम दूसरे के साथ करेंगे, सेकेंड सब्सटेंस के साथ, B2 के साथ, उसकी कंसंट्रेशन डबल कर देंगे। समझ में आ रहा है, तो रेट कितने काम बढ़ गया, फोर। अगर किसी की चीज को डबल करने से रेट फोर टाइम्स आती है तो इसका मतलब डबल के ऊपर क्या पावर लगी है, टू। अगर इसको डबल करने पे ये एट टाइम्स आ जाता है तो पावर क्या लगी है, थ्री। अगर इसको डबल करने पर यह 16 टाइम्स हो जाता है तो पावर क्या लग रही है, फोर। तो ऐसे निकालेंगे, हो सकता है तीसरा सब्सटेंस हो, जब तीसरा सब्सटेंस निकालेंगे तो बाकी इन सबको क्या कर देंगे, जल्दी बोलो, वन 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 वन। समझ में आ रहा है, उसके रेस्पेक्ट में निकालते जाएंगे। तो जितने भी सब्सटेंस है पहले वन वन के लिए निकालेंगे, फिर एक किसी एक को डबल करेंगे उसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर किसी एक को करेंगे डबल और उसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, हाँ या ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको एक एक करके सबकी मिलती जाएगी, इज दैट क्लियर। तो इसको लिखो जल्दी से। इससे पहले हमने कौन सा मेथड करा था, यूनिट्स वाला मेथड करा था, और यूनिट वाले में हमें क्या था, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल रहा था, पर्टिकुलर हर एक कंपाउंड यानी हर एक एलिमेंट के लिए हमारे लिए नहीं निकल रहा था। इससे हम इंडिविजुअली एलिमेंट भी निकाल सकते हैं और टोटल नेट ऑफ ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। इसके लिए
रिएक्टेंट एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मान लीजिए कोई रिएक्शन ऐसी है जो ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू है, और आप उससे ट्वाइस ए बी सी करके कोई कंपाउंड बना रहे हो, तो क्या इसके लिए लग जाएगा ये मेथड? हाँ लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? बस थोड़ी सी इक्वेशन ज्यादा होंगी। तो हमने मान लीजिए ये ए टू की कंसंट्रेशन है, ये बी टू की है, और ये सी टू की कंसंट्रेशन है, और यहाँ रेट है। मान लीजिए इस तरह के कंसेप्ट में हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, एक एक एक, और रेट हमारे पास आ रही है 1 × 10⁻⁴। आ जाने दो, ये हमारा मेथड है सेकंड पक्का। तो इस मेथड में क्या करते हैं हम, सबसे पहले सबकी कंसंट्रेशन क्या कर देते हैं, 1 1 1 1। सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कर दिया आपने, एक एक एक। फिर उसके बाद इस मेथड के अंदर किसी भी एक सब्सटेंस की क्या करते थे, टू, बाकी की वही रखते हैं 1 1। समझ में आ रहा है? अब आप बताओ कि अगर यहां पर 2 × 10⁻⁴ हो गया तो ए टू के ऊपर क्या पावर आएगी, 1। बिल्कुल है। तो मान लीजिए R इक्वल टू के, ए टू के ऊपर क्या पावर आएगी, बी टू के ऊपर क्या आएगी, सी टू के ऊपर क्या आएगी, वो हमें निकालना है। तो एन वन एन टू एन थ्री, तो अब आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। एन वन की वैल्यू क्या आ रही है इससे, 1। अगले एक्सपेरिमेंट में ए टू को 1, बी टू को 2 करते हैं और सी टू को 1 करते हैं, सही है। और इससे हमारे को सपोज 4 × 10⁻⁴ आ रहा है, तो एन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि 2 के ऊपर क्या पावर लगाई जाए कि ये 4 हो गया है, 4 टाइम्स हो गया, क्या लगाई जाए, 2। नेक्स्ट एग्जांपल में ये भी 1, ये भी 1, और ये 2 कर दिया जा रहा है, और सपोज ये 8 आ रहा है, तो देखिए ये कितने गुना बढ़ गया है, कितने टाइम्स बढ़ चुका है, 3 गुना नहीं है, 8 गुना, 8 टाइम्स, और जबकि ये कितने टाइम्स हुआ है, 2। बाकी की चीजें हमारी उसके रेस्पेक्ट में क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो हमारे पास एन थ्री की वैल्यू क्या होगी, 3। यस और नो? तो इंडिविजुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, इसका 2, इसका 3, और नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, नहीं, रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 = 6, ऐसे हम बोलेंगे पक्का। तो आप कंसेप्ट समझ चुके हैं, यस और नो? बोलो हाँ। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल से हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। हमने एक और इक्वेशन लिख रखी है, ए टू बी टू प्लस सी टू, और ट्वाइस ए बी सी बन रहा है। आप सिर्फ मैथ्स लगाएंगे और जल्दी से आंसर निकालेंगे, ए टू बी टू सी टू और आर। देखिए इधर शुरू से मान लीजिए ए टू की कंसंट्रेशन 0.1 है, 0.1 है, 0.1 है, और आर की वैल्यू दे रखी है आपको 2 × 10⁻⁴। क्या दे रखा है आपको, ध्यान से देखिए, 2 × 10⁻⁴। आपने इसको 0.2 कर दिया, कितना कर दिया, 0.2, और ये वैल्यू 2 × 10⁻⁴ ही रह गई, यानी इसको आपने डबल कर दिया और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब रेट क्या ए टू पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, वही रहा है। तो मान लीजिए आपकी रेट आर इक्वल टू के, ए टू की पावर एन वन, बी टू की पावर एन टू, और सी टू की पावर आपके पास क्या है, एन थ्री है। तो अभी तक आपने क्या पता लगाया है, एन वन की वैल्यू कितनी है, 0, खुद से पता चल गया ये इसका आंसर है। मान लीजिए ये 0.1 है और ये 0.2 कर दिया और ये 0.1 है, इसको आप क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, और वो आपके पास हाफ हो गया। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये क्या है, इनवर्सली। तो डबल करते हैं, हाफ हो रहा है, तो इसका मतलब पावर क्या लगाई जाए, -1 -1। तो अगर किसी क्वांटिटी को आप इंक्रीज कर रहे हो और रेट डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब -1। अब एक चीज को बढ़ा रहे हो और एक चीज को रेट कम हो रही है, माइनस तो पता चल रहा है, लेकिन वो -1 होगा या -2 होगा, इसका पता कैसे चलेगा, आपको मैथ्स लगानी पड़ेगी। यहां से यहां जाने पर मैंने यहां पर, हाँ बिल्कुल, यहां से यहां जाने पर ये कांस्टेंट है, समझना ये कांस्टेंट है, लेकिन ये वैल्यू क्या हो रही है, डबल हो रही है, और ये डबल होते हुए भी ये क्या हो रहा है, हाफ, तो ये 2 टाइम्स हो गई। तो 2 के ऊपर क्या लगाया जाए कि वो 1/2 बन जाए, -1।
श्योर, 2 को 1 बाई 2 बनाने के लिए माइनस 1, श्योर लॉक कर दे। तो ये मेरे पास n2 की वैल्यू क्या हो गई यहां पर जल्दी से बताएं, माइनस 1। अब थोड़ी सी और मेहनत करते हैं, एक और प्रैक्टिकल दिया है एग्जामिनर ने, 0.1, 0.1 और ये 0.2, यानी इस बार कौन सी तीन वैल्यू कॉन्स्टेंट है, ये भी, लेकिन ये नहीं है। ये कितने टाइम्स बढ़ रहा है, दो गुना। ये कितने टाइम्स बढ़ रहा है, दो गुना। और मेरे पास यहां पर वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 1 × 10⁻⁴। अगर ये आ गया तो पावर क्या आएगी, माइनस 1। अगर 2 × 10⁻⁴ यानी कोई चेंजेज नहीं हुआ तो जीरो, जीरो। क्यों, क्योंकि इसको डबल कर रहे हो आप और ये उतना ही रह रहा है, जीरो। 1/4 आ जाए तो 2 की पावर क्या लगाई जाएगी, 1/4 हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल गया, ये कितने टाइम्स बढ़ चुका है, 1/8। 2 का ये 1/4, 1/8 है, 1/8। तो 2 की पावर क्या लगाई जाएगी, 1/8 आ जाए, -3। आप सोचो ये 1/4 हुआ या 1/8 हुआ, यहां मैथ अच्छी है, 1/8 और ये कितना हुआ है, 2। तो 2 के ऊपर क्या पावर लगाई जाए कि ये 1/8 आ जाए, वो है -3। अगर यहां पर अब बताओ पावर क्या आएगी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सब सही हैं, सही हो, क्योंकि आप ही बताओ 2 को 1/2 बनाने के लिए 1/4 वाला फैक्टर आ रहा है, और 1/4 कब आएगा, जब 2 के ऊपर क्या पावर लगाया जाए, -2। और अगर ये 4 आ जाए तो ये कितने टाइम्स बचा है, 2, और 2 टकरने पे 2, यानी पावर क्या आ जाएगी, 1। ये 2 के ऊपर क्या पावर लगाई जाएगी, 2 आ जाए, 1। पावर में देखना है हमें, अगर 8 लगा दी जाए तो ये कितने टाइम्स हुआ, 4, और ये कितने टाइम्स हुआ था, 2। तो 2 के ऊपर क्या पावर लगाई जाएगी, 4 हो जाए वो, 2। समझ में आ रहा है, अगर यहां पर 6 है तो कितने टाइम्स बढ़ा ये, 3 गुना, 3, और ये कितने टाइम्स बढ़ा है, 2। तो 2 के ऊपर क्या पावर लगाई जाए कि वो 6 हो जाए, सॉरी 3 हो जाए, तो वो 1 से तो बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी, तो 1 point something, हमें नहीं मालूम, लेकिन 1 point something वाला जो भी ऑप्शन होगा हम टिक कर देंगे, एग्जैक्ट भी निकालना हो तो निकाल लेंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, तो देते भी नहीं है वो। यदि यहां पर 0.3 है तो ये कितने टाइम्स बढ़ा है, 3, और ये भी 3 टाइम्स, तो बताओ 1, तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n3 की वैल्यू 1, कोई दिक्कत, तो ये 3 टाइम्स बढ़ने पर ये भी 3 टाइम्स बढ़ा है, हाँ या ना, तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ कोई फर्क पड़ रहा है, हाँ, 1 आएगी पावर, 1। तो आपने क्या बेसिक रूल्स बनाए, पहली चीज कि अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट बढ़ती है तो पावर पॉजिटिव होती है, और कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट कम होती है तो पावर नेगेटिव होती है, और कंसंट्रेशन को कम करने पर रेट भी कम होती है तब भी प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, बेसिक सी मैथ्स है। तो पहले तो ये पता लगाओ पावर प्लस होगी या माइनस होगी, फिर कितने टाइम्स होगी, दूसरा काम हो गया। तीसरा रूल और है, जिसके ऊपर पावर जीरो है, किसके ऊपर पावर जीरो थी, ए के पास, क्योंकि इसको बढ़ाने पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो उसको आगे भी बढ़ा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहां पर मैं 0.2 लिख देता हूं तो इस पे तो डिपेंडेंस है ही नहीं, वो तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो यहां पर 0.2 लिखने पर क्या बाकी के आंसर में फर्क पड़ेगा, नहीं। तो ये भी एक कंसेप्ट है, जिसके ऊपर एक बार पावर जीरो डिफाइन हो गई उसे कितना ही बढ़ा लिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो पॉइंट अपनी लैंग्वेज में लिख लो, आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी, पहला पॉइंट। और यहां एन नेट कितना आएगा, एन रिएक्शन कितना होगा, जल्दी बोलो, 0 + -1 + 1 = 0, ये तो इसका आंसर हुआ, जीरो ऑर्डर की है। इंडिविजुअली पूछा जाए कि रेस्पेक्ट टू बी टू क्या है, -1, रेस्पेक्ट टू सी टू क्या है, +1,
और रेस्पेक्ट टू ए टू क्या है, जीरो, नेट क्या है, जीरो। और थोड़े से मंत्र लिख लो आप, एसएल मंत्र जो आप लिख सकते हो, क्या है एसएल मंत्र, फर्स्ट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट बढ़े या फिर कंसंट्रेशन को कम करने पर रेट कम हो, देन ऑर्डर यानी पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज पॉजिटिव। कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट कम हो, कंसंट्रेशन को कम करने पर रेट बढ़े, पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज नेगेटिव। ये दो, एक कंसेप्ट तो ये हुआ, एक और है, अगर किसी के ऊपर जीरो ऑर्डर डिफाइन हो जाती है तो उसके बाद उसे कितना ही बढ़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए, अदर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस दूसरा पॉइंट, इफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए स्पेसिफिक रिएजेंट इज स्पेसिफिक सब्सटेंस इज जीरो, देन कंसंट्रेशन ऑफ दिस सब्सटेंस चेंज बाय एनी फैक्टर, एनी फैक्टर, नो रोल ऑफ इट टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ अदर सब्सटेंस। ये आपको लिखना है, पूरा लिखें इसको। अगर सामने वाले ने सोच ही रखा है कि इसमें गलत कराना है तो फिर वो डाटा बहुत उटपटांग देगा और वो खराब करने की कोशिश करेगा। चलो उससे पूछते हैं कि किस तरह से वो गलत कराता है, अपन उसको भी सही बनाने की कोशिश करेंगे। उसने कहा मेरे पास एक रिएक्शन है ए टू प्लस बी टू और ट्वाइस ए बी बन रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है आपके पास, आपने सही बताया, डाटा दिया हुआ है उसने ए टू बी टू और रेट दे रखी है। मैंने कहा ये चलो अच्छा किया, यहां तक तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि इजी है या टफ है। जनरली हम कंसंट्रेशन वन वन देते थे, उसने टू और थ्री दे दिया, पॉइंट टू इंटू टेन पावर माइनस टू और थ्री इंटू टेन पावर माइनस टू, और रेट दे दिया उसने सिक्स इंटू टेन पावर माइनस फाइव मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट तो हमेशा यही रहेगी इसकी, और इसकी क्या होगी, कैपिटल एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम का मतलब मोल पर लीटर, मोलरिटी। अभी तक तो कोई ऐसा खास टफ नहीं लग रहा था, समझ में आ रही है बात। उसने क्या करा, इसको 4 इंटू टेन पावर माइनस टू करा, 3 इंटू टेन पावर माइनस टू, हमारे दिमाग में आ गया ये टू टाइम्स हुआ है, ये कितने टाइम्स हुआ है, टू। या तो यहाँ वन और टू होता तो भी बात ये रहती, टू फोर होता तो भी टू टाइम्स, थ्री सिक्स होता तब भी टू टाइम्स, फोर एट होता तब भी टू टाइम्स, बोलो हाँ या ना, टू टाइम्स हमारे दिमाग में आ गई। अब ये रेट में हमारा फर्स्ट कंसेप्ट भी लग जाएगा, अगर रेट कम हो रही है तो माइनस, बढ़ रही है प्लस, सेम रह रही है जीरो। उसने यहां पर क्या दिया, 1.2 इंटू टेन पावर माइनस फोर, बात तो बराबर है, ये टू टाइम्स करने पे वो कितना हुआ, टू टाइम्स। तो मैंने ये मान रखा था आर इक्वल टू के ए टू की पावर एन वन और बी टू की पावर एन टू, तो मैंने एन वन की वैल्यू तो निकाल दी, कितना है वन, क्योंकि ये बढ़ाने पर ये बड़ा है, कम नहीं हुआ है, बड़ा है, ये 12 इंटू टेन पावर माइनस फाइव है। लेकिन उसने क्या करा, गलत कराने के लिए मैथ्स खराब कर दी हमारी, कुछ भी कर दिया, कैसे भी कर दिया, तो हमारे को ये तो समझ में आ गया बड़ा है। फिर उसने क्या करा, अगली बार समझना, इसको कर दिया सिक्स इंटू टेन पावर माइनस टू,
यानी इसको फिर बढ़ा दिया, कितने गुना बढ़ाया, तीन, समझ में आया। और इसको भी बना दिया 6 × 10⁻², इसको कितने गुना बढ़ाया, दो, दो पक्का। इसको तीन गुना बढ़ाया है, समझना। मान लो इसको नहीं बढ़ाया होता तो रेट कितनी बढ़ गई होती, तीन, थ्री टाइम्स इसको बढ़ाया, इसको मान लो नहीं बढ़ाया होता तो रेट कितनी बढ़ चुकी होती, थ्री टाइम्स ही बढ़ती। तो 1.8 × 10⁻⁴ तो आता ही आता, एक सेकंड रुकना, इसको थ्री टाइम्स बढ़ा दिया तो रेट थ्री टाइम्स तो बढ़ेगी बढ़ेगी, तो 1.8 × 10⁻²। तो लेकिन इसको बढ़ाया है और इस डाटा ये, इसका मतलब इसको बढ़ाने का क्या फायदा हुआ, कुछ भी नहीं। तो बताओ एन टू की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो डाटाज को देख के ये बोलना कि इस जगह जीरो होगी एन टू को, कोई दिक्कत नहीं है, आ गई बात समझ में, पक्का। उसने थोड़ा सा और कर दिया, इसको 18 × 2 = 36, अब बताओ क्या होगी एन टू की वैल्यू, टू। कैसे, देखने में तो आपको लग रहा है ये 3.6 यानी बढ़ा है, 36 × 6 = 36 यानी 6 गुना बढ़ा है, इसको दुगना कर दिया 6 गुना बढ़ा है, तो आप 2 की पावर क्या लगाया जाए कि 36 आ जाए, ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। आपको पहले ये सोचना है कि इससे तो निकल चुका है, इसको 3 टाइम्स करा है तो 3 टाइम्स तो आपके दिमाग में पहले ही सेट हो जाना चाहिए अब डाटा कि 1.8 तो हो गया, अब रोल जो आएगा 1.8 के बाद जो रोल आएगा वो इसका होगा, 3.6 कर दिया सीधा है, यानी 1.8 तो था, 3.6 करा, यानी 2 टाइम्स ही बढ़ाया इसकी वजह से, तो और ये भी 2 टाइम्स बढ़ाया, तो 2 टाइम्स करने पे ये 2 टाइम्स बढ़ाया, इसका मतलब इसके ऊपर पावर क्या है, 1 या 2 1। तो नेट ऑर्डर रिएक्शन कितना होगा, नेट पूछा जाए Is that clear or not? Is that clear or not? Yes? एक बार देखो, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो, ये कॉन्स्टेंट, इसका फर्क पता चल गया, इससे पता चल गया इसके ऊपर पावर क्या है, 1। फिर उसके बाद जब ये डाटा देखे तो दोनों चेंज थे, समझना बात को, 6 कहीं और नहीं दिख रहा था, तो यहां से दिख रहा है 3 times। तो दिमाग में उसी समय ये बना लो, 3 × 1.8 × 10⁻⁴ लिख दो, ये तो लिख लो साइड में, इसकी वजह से ये लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास कितने टाइम्स बढ़ रहा है, 2 times, और ये कितने टाइम्स बढ़ रहा है, अब पता चल गया 2 times करने पे 2 times हो रहा है, यानी पावर 1 है। हमें इससे नहीं देखना, अब हमें इससे देखना है, तो ये हमारी मैथ्स लगानी पड़ेगी हमें। कुछ कुछ समझ में आया, बोलो यस और नो। अगर ये 0.9 लिखा होता, यहां 0.9 लिखा होता ना, समझना, तो पता है ये पावर क्या होती, -1, क्योंकि हमें 1.8 से 0.9 की तरफ जाना है, 0.9 × 10⁻⁴, तो इसका मतलब कितने टाइम्स हुआ, 1/2, ये 2, ये 1/2, पावर क्या लगाई जाए, -1। तो यहां आपकी क्या काम आएगी, मैथ्स, और अगर फिर भी मैथ्स नहीं लगानी है तो 3 इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करना शुरू कर दो। इज दैट क्लियर, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन मेरे को मैथ्स अच्छी लगती है। तो चलो एक और, एक दो और प्रैक्टिस करते हैं, कितनी मैथ्स लगा पा रहे हो आप देख लो। जब मैं ऑन द स्पॉट बनाते बनाते मैथ्स लगा रहा हूं तो आपको तो सॉल्व करने का टाइम दे रहा हूं, करिए देखे। एक और एग्जाम्पल, A2 + B2 follows this reaction twice AB, और गीवन है, ये सारा क्वेश्चन का पार्ट है, A2 B2 और रेट, रेट हमेशा मोल पर लीटर पर सेकेंड, कैपिटल M मोल पर लीटर को ही रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहां लिखा 3 × 10⁻², और ये लिखा 5 × 10⁻², रेट मैंने लिखा
वन इंटू टेन पावर माइनस एट लिख दिया कुछ भी। अगर मैंने ऐसा लिखा वन इंटू टेन पावर माइनस एट, मेरी मर्जी, सही है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा आगे? अब मेरे दिमाग में ऑप्शंस चल रहे होंगे दिमाग में। मैंने कहा पहले इसके रेस्पेक्ट में पहले निकलवा लें। मैंने इसको 3 इंटू टेन पावर माइनस टू निकाला और ये कर दिया मैंने 2.5, नहीं 25 इंटू टेन पावर माइनस 3। बताओ मैंने कंसंट्रेशन बढ़ाई है या कम करी है? अरे कम करी यार, माइनस टू को माइनस थ्री लिख गया। तो कितना करा है, आधा करा है या डबल किया है? आधा करा है, 2.5 का आधा ढाई होता है, 25 आधा ही तो किया है, 2.5 हो जाएगा 10 पावर माइनस टू करती, आधा किया है। और रेट मैंने 2 इंटू टेन पावर माइनस 8 कर दी। तो बताओ ए के ऊपर पावर कितनी है? ए टू के बारे में कुछ नहीं मालूम, बी टू के बारे में मालूम है, कितनी है? माइनस वन। तो आप मान लीजिए दिमाग में यही चलेगा, आर इक्वल टू के ए टू बी टू एन वन एन टू। आपको अभी एन वन तो मिल ही नहीं सकता, एन टू की वैल्यू माइनस वन है। इज दैट क्लियर? पक्का? और अब आपने इसको 10 इंटू टेन पावर माइनस टू लिख दिया है, या बहुत अच्छे से करते हैं 10 पावर माइनस वन कर दिया। 10 पावर क्या कर दिया? माइनस वन। दिमाग में बिठा के चलो, यानी आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई है या कम करी है? बढ़ाई है। कितने टाइम्स बढ़ी है? टू टाइम्स। कितने टाइम्स बढ़ी है? टू टाइम्स। और यहां पर आपकी वैल्यू 2 इंटू टेन पावर माइनस 8 है, श्योर? तो इस जबकि इसको डबल कराया तो ये क्या होना चाहिए था? हाफ होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 1/2 होना चाहिए था, यानी कि होना ये चाहिए था, हुआ ये। तो इसका मतलब 4 टाइम्स बड़ी होगी ओवरऑल, और किसकी वजह से बड़ी होगी? ए टू की वजह से, ए टू की वजह से। तो ए टू को आपने 6 इंटू टेन पावर माइनस 2 कर दो, यानी ये 2 टाइम्स हो रहा है और ये इसकी वजह से कितनी बढ़ रही है? 4 टाइम्स। तो बताओ एन वन की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर? 2। तो आपका आंसर क्या होगा? R इक्वल टू के ए टू की पावर 2 और बी टू की पावर माइनस 1। नेट ऑर्डर रिएक्शन कितना होगा? लगा दी मैथ्स मैंने, मैंने डाटा इस तरह से दिए कि आप सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा मैं आपको बताऊं। इस तरह के सॉल्व करते वक्त आपकी मैथ्स ही आपके काम आएगी, लेंथी मेथड कोई नहीं कर सकता है एग्जाम में। आप सबसे पहले क्या उठाएंगे? ये चीज कांस्टेंट है, ये 1/2 की आपने पक्का कम किया, 1/2। तो ये कितना हुआ? 2 टाइम्स, यानी इसके ऊपर पावर क्या आ गई? माइनस आएगी। ये बात तो है, एक को कम कर रहे हो दूसरा बढ़ रहा है, माइनस कितनी आएगी? माइनस वन। डन हो गया, एन टू माइनस वन। अब इधर से जाओ, ये कितने टाइम्स बढ़ा रहे हो आप? 2 टाइम्स। ये कितने टाइम्स बढ़ा रहे हो आप? 2 टाइम्स। तो अब हमें कैसे पता चले ये कितने टाइम्स बढ़ रहा है हमारे पास? 2 टाइम्स। चलो इसको मत पकड़ो, केवल जिसका ऑर्डर निकाल चुके हो उसके रेस्पेक्ट में पहले निकाल लो। इसका तो निकाल चुके हो, कितना था इसका? माइनस वन। तो ये इसकी वजह से आपने इसको कितने टाइम्स बढ़ाया? 2। तो ये कितना होना चाहिए था? 1/2। यहां 1 है तो 1/2 इंटू टेन पावर माइनस 5 पक्का, जबकि एग्जैक्ट डाटा कितना दे रखा है? 2। तो ये 1/2 को 2 लाना है आपको, 1 को 2 नहीं लाना है, 1/2 को 2 लाना है। तो कितना हुआ? 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब 1/2 को 2 बनाना है 4 टाइम्स, और यहां 2 है तो 2 इसको 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, तो 2 के ऊपर क्या पावर लगाई जाए कि 4 आ जाए? 2। एन वन की वैल्यू 2। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। फिर समझ में आया, लिखें इसको। हाँ देखो हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है ए टू बी टू रिएक्शन हो रही है, ट्वाइस ए बी बन रहा है, एक्सपेरिमेंट दिया है 1 2 3 देने दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
और ए टू की कंसंट्रेशन दे रखी है, बी टू की दे रखी है, लिस्ट दे रखी है, और ये कंसंट्रेशन होने पर ये रेट होती है, ऐसा बताया गया है। और पूछा जा रहा है कि के की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो आपको ये मालूम है कि आर इक्वल टू होता क्या है। आंसर निकालते वक्त, सॉल्यूशन निकालते वक्त हमारे लिए क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, के ए टू की पावर वन और बी टू की पावर एन टू। ये तो हमने बेसिक रख दिया, जब तक एन वन एन टू नहीं निकलेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। चलो एन वन की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। मैं एन टू को, एन वन को निकालने के लिए ये चीज तो कांस्टेंट है, इसको क्या किया आपने, डबल। जब इसको डबल कर रहे हो उन दो डाटों में, डाटाज में ये क्या हो रहा है, डबल या ट्रिपल या वही रह रहा है डबल, तो इसका मतलब एन वन की वैल्यू जीरो तो नहीं होगी, सही है। तो क्या होगी, इसको डबल किया है या ट्रिपल किया है, और ये कितना हुआ है, डबल या हाफ, डबल। तो इसका मतलब एन वन की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो, वन। अब दूसरी तरफ इससे देखना बहुत मुश्किल हो रहा है, इससे डाटास को देखो, ये कितना हुआ, टू टाइम्स, टू टाइम्स हुआ है। तो जैसे ये टू टाइम्स हुआ तो इसको ये हो जाना चाहिए था क्या, टू इंटू टेन पावर माइनस फाइव, क्योंकि डबल था, सॉरी इसके ऊपर पावर क्या थी, वन। तो इसको डबल करते ये वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए थी, टू इंटू टेन पावर माइनस फाइव। अब हो कितनी रही है, एट इंटू टेन पावर माइनस फाइव, यानी कितने टाइम्स हो रही है, फोर टाइम्स। तो ये जो फोर टाइम्स बढ़ी है ये किसकी वजह से बढ़ी है, इसकी वजह से। इसको कितने टाइम्स बढ़ाया आपने, टू टाइम्स, तो टू की पावर क्या लगाई जाए, तो एन टू की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो, टू। तो कहां मैथ्स लगाने में दिक्कत हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एन वन एन टू लग गया, वो किसी भी एक्सपेरिमेंट से रखें, के की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि के की वैल्यू कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो के निकालने के लिए आप क्या करोगे, पर्टिकुलर के, आर अपॉन ए टू की पावर वन और बी टू की पावर टू लिख दोगे। आर अगर आपने फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट रखा 5 इंटू टेन पावर माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ए टू की पावर यानी 2 इंटू टेन पावर माइनस टू की पावर 1 और बी टू की पावर यानी 6 नहीं 3 इंटू टेन पावर माइनस 3, क्योंकि आपने रेट ये लिए तो कंसंट्रेशन भी ये यही लेनी पड़ेगी, ये लोगे तो ये रखना है, सबसे आंसर ए के आएगा, टू। समझ में आ रहा है, एन वन एन टू वन और टू। तो कहां गलती कर रहे हो, वहां से निकालने की कोशिश करो जहां एटलीस्ट एक चीज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये टू। अब यहां पर कोई भी किसी से भी कांस्टेंट नहीं है, तो फिर क्या करो, इससे पकड़ो, इससे टू टाइम्स हुआ, इससे ये टू टाइम्स कर दो, टू इंटू टेन पावर माइनस फाइव, फिर उसके बाद टू से एट बनाने के लिए फोर टाइम्स, और यहां पर अब यहीं से चलना है टू टाइम्स, तो टू के ऊपर क्या लगाई जाएगी, फोर आ जाए, टू, खत्म। यानी एन वन की वैल्यू वन और एन टू की वैल्यू दिस, ये ओ हो, क्वेश्चन ही गलत है, गलत ये हो गया, यहां ध्यान नहीं रहा मेरे को, हाँ ये क्या गलत है, वो पावर सेम चलनी चाहिए थी, अब सही है वो, टू 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 सही है। रिएक्शन मैकेनिस्म, यानी ये भी हमारे लिए एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का एक तरीका है, कुछ एजम्पशंस लेते हैं। तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस मेथड से निकाला जा सकता है, यानी थर्ड फैक्टर हो गया बाय रिएक्शन मैकेनिस्म। देखिए इसमें क्या हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा, टू ए टू प्लस बी टू और ट्वाइस ए बी लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है एलिमेंट्री, एलिमेंट्री रिएक्शन लिखते ही आपके दिमाग में आ जाता है कितने स्टेप में हुई है रिएक्शन, सिंगल स्टेप में, और आप सिंपल सिंपल आर इक्वल टू के एलिमेंट्री रिएक्शन में कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, ए टू की पावर टू और बी टू की पावर क्या लगा देंगे, वन, यही हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, टू प्लस वन कितना होता है, थ्री। तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन आप ऐसे करेंगे, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन,
एलिमेंट्री रिएक्शन में हमेशा कितने मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं वही दिया जाता है। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? तो इसका एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। अगर कोई रिएक्शन दिखी हुई है ए टू प्लस बी टू कन्वर्ट ट्वाइस ए बी और एलिमेंट्री लिखा हुआ है, तो बताओ इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? आर इक्वल टू के ए टू की पावर वन और बी टू की पावर वन और एन की वैल्यू क्या होगी? वन प्लस वन टू। और यूनिट ऑफ के भी आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हो गया काम। अब दूसरा पॉइंट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप कैसे देखेंगे? हमें रिएक्शन दे रखी है ए टू प्लस बी टू ट्वाइस ए बी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है यानी ये सिंगल स्टेप में तो नहीं है, तो ये रिएक्शन आपको अलग अलग स्टेप में दी भी जाएगी साथ के साथ। ये भी क्वेश्चन का पार्ट होगा, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप थर्ड। उसने स्टेप फर्स्ट में कहा ए टू डिकम्पोज हुआ ट्वाइस ए में, फिर ए प्लस बी टू ने बनाया ए बी प्लस बचा हुआ बी बाहर, और बचा हुआ ए और बचा हुआ बनने वाला बी ने मिलके ए बी बनाया, तो नेट रिएक्शन क्या होगी? स्टेप फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर दो, नेट रिएक्शन हो गया ए टू प्लस बी टू ट्वाइस ए बी। आप देख लो ये जितने भी ये इंटरमीडिएट है, ये ए से ए कट रहा है, ये बी से ये बी कट रहा है, ये ए से बचा हुआ ए कट रहा है, तो ए टू प्लस बी टू ट्वाइस ए बी दिखेगा आपको। तो इसका मतलब ये क्या है? बाकी के सब क्या है? इंटरमीडिएट है। स्टेप वन में हाँ ए टू से टू है यानी कि एच टू है सपोज या सी एल टू है, तो वो दो सी एल आइटम में चेंज हो गया। इस तरह की मैकेनिज्म है। अब साथ में एक और चीज आएगी यहां पर जो दी जाएगी मैकेनिज्म में, तीनों बराबर तो नहीं हो सकते, कोई एक स्लो होगी कोई एक बाकी की दो फास्ट होगी। तो अगर सपोज ये 10 मिनट में हो रही है, 20 मिनट में हो रही है, ये 30 मिनट में हो रही है, तो स्लो कौन सी है? ये। अगर ये 10 मिनट में हो रही है, ये 15 मिनट में हो रही है और ये 16 मिनट में हो रही है, तो ये सबसे स्लो है। तो आपको ये देखना है सबसे स्लो रिएक्शन कौन सी है। कोई भी एक रिएक्शन स्लो होगी, मान लो बीच वाली है, तो उसके नीचे लिख देंगे स्लो और बाकी सबके पीछे इसके कंपेयर में देखते हैं फास्ट फास्ट। तो जो स्लो है वो हमारे मेन हीरो है, उसके ऊपर वाली जितनी भी रिएक्शन है उनसे काम है, नीचे वाली से नहीं है काम। और उनसे ऊपर वाली रिएक्शनों को हम क्या मान लेंगे? रिवर्सिबल। ये हमारा एजम्पशन रहेगा, यानी ये के फॉरवर्ड के बैकवर्ड ऐसे लिखेंगे। जो स्लो है उसके ऊपर वाली जितनी भी रिएक्शन है वो सब रिवर्सिबल। मत मानो काम का ही नहीं है, हो या ना हो उसे कोई मतलब हो तो पता लगाए ना। जिसका कोई जो हमारा रिलेटिव नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, उसका नाम क्यों पूछे अपन? ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर है, जिससे काम पड़ेगा उसी को देखेंगे कि वो रिवर्सिबल है या नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया। और जो रिवर्सिबल होती है उसके लिए हम केसी भी लिख सकते हैं। तो केसी की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? ए की पावर क्या लिख दोगे? टू। केमिकल इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होगा, ए की पावर क्या हो जाएगा? टू। और ए टू की पावर क्या आ जाएगा? वन। ये तो हो गया इक्वेशन वन। और जो स्लो है उसमें आर का पता चल जाएगा, आर इक्वल टू के ए मल्टीप्लाई बाय बी टू वन वन, जो उसमें आ रहा है वो रेट दे देगा। और जो सबसे जो स्लो है वही हमारे लिए क्या कहलाएगी? आर डी एस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहां दो क्वेश्चन आते हैं, ये इक्वेशन बन गई। स्लो को ही आरडीएस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वही रेट डिसाइड करती है। भाई मुझे यहां से सपोज अमेरिका जाना है, ठीक है, तो और जाना है तो भाई शिप जाना चाहता हूं, तो मैं यहां से बॉम्बे गया, बॉम्बे से शिप में बैठा और अमेरिका के लिए निकल गया, और शिप एक महीने में जाके वो अमेरिका पहुंचा रहा है। तो मेरा एक दिन बॉम्बे जाने का, फिर शिप से अमेरिका जाने का एक महीना, और अमेरिका से जिस जगह मेरे को जाना है वहां पर भी सपोज एक दिन लग रहा है, तो स्लो स्टेप कौन सी रह जाएगी? शिप। वो आरडीएस होगी। अगर बीच में शिप में टाइम ज्यादा लग गया, तो उसमें ज्यादा लग गया तो हो सकता है एक महीने की जगह में 10 दिन ऊपर लग जाए, डेढ़ महीना लग जाए, दो महीना लग जाए, तो वही डिसाइड करेगी। पक्का? हो सकता है बॉम्बे जाने वक्त मेरे को
मेरी ट्रेन लेट हो गई तो कितना फर्क पड़ेगा ज्यादा ज्यादा, एक दिन में 2 घंटे लेट, तो पता उससे क्या स्पीड पे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई खास नहीं। फर्क कब पड़ता है? जब बड़े वाले अमाउंट में फर्क पड़े, बड़ा चेंज, बड़े वाले अमाउंट में चेंज भी बड़ा होता है, इसलिए आरडीएस वही होगी। तो कुल मिला के तुमने सही वर्ड बोला है, बड़े वाले अमाउंट में बड़ा चेंज दिखता है, छोटे वाले अमाउंट में क्या चेंज दिखेगा? इज दैट क्लियर? तो वो हमारे लिए कभी भी आरडीएस नहीं हो सकती। तो बड़ा कौन अमाउंट है जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है? ज्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब वो स्लो है, स्लो है तो उसके लिए के की वैल्यू क्या होगी? बहुत कम। रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? बहुत कम। तो रेट कांस्टेंट अगर दे दिया जाए तीनों का इंडिविजुअली, तो जो सबसे कम होगा वही आपके लिए आरडीएस होगी, वही सबसे स्लो भी होगी। तो ये हमारे पास हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, मुझे ए को हटाना है और ए टू को लाना है, तो इक्वेशन 1 और 2 में क्या करूंगा? बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आर इक्वल टू के, ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ये आप खुद ही लिख सकते हो, ए की जगह के सी बाय ए टू, के सी मल्टीप्लाई बाय ए टू रूट में, क्यों लिख सकता हूं ना, थोड़ी सी मैथ्स लगाओ। ए की वैल्यू क्या होगी? ये उधर जाएगा, रूट ले लो, ए हट जाएगा, तो ये मैंने ए की वैल्यू रख दी और क्या रख दिया? बी टू। तो इसको तरीके से लिख देते हैं, के रूट के सी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय कॉन्स्टेंट अनादर कॉन्स्टेंट, ए टू की पावर क्या लिखा जाए? 1/2, और बी टू की पावर क्या लिखा जाए? 1। तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? तो इसका आंसर 3/2 होगा, ये मैकेनिज्म से। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप केसी लिखो और फिर बाद में चेंज कर दो। तो कुल मिला के एक और चीज सीखने को मिली है कि ए यहाँ पर क्या है? इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट मेन रिएक्शन में नहीं आना चाहिए। तो मेन रेट रेट एक्सप्रेशन लो ये होगा, ना कि ये आपका